मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज सदन के भीतर जाएंगे। आप सिर्फ अडानी की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, इंडिया की अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। आपको तो दिन रात अडानी की चिंता सताती रहती है। भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है, जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। कि आज सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज सदन के भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और एक प्रकार से सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निभाओ, अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली। ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ चिंता होनी चाहिए मणिपुर की, वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर वहां पर आपने शांति की बहाली नहीं की तो देश के एक हिस्से में बर्बादी कायम हो जाएगी और बर्बादी हो चुकी है, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ सदन के अंदर पूरी टीम इंडिया, जो विपक्षी दल हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आइए और सदन में जवाब दीजिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं। एक दिन बोलते हैं तो कहते हैं इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठन से करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं तो 24 की चिंता उनको सता रही है। क्या हो, क्या गया हमारे प्रधानमंत्री को? तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे आप भारत को? 120 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बिका आपके राज में, 250 रुपए से ज्यादा सरसों का तेल प्रति लीटर बिका, 250 रुपए किलो टमाटर बिका आपके राज में, किडनी की दवा महंगी, कैंसर की दवा महंगी, टीबी की दवा महंगी, हार्ट की दवा महंगी, बच्चों का दूध महंगा, आटा दाल चावल महंगा, सब कुछ तो आपने महंगा कर दिया। कौन सी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं आप? आप सिर्फ अडानी की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, इंडिया की अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। आपको तो दिन रात अडानी की चिंता सताती रहती है, उसी के लिए काम करते हैं आप। तो मेरे ख्याल से वो इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, अडानी की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है, जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप काला कपड़ा पहने हुए हैं, इसके बारे में बताइए, आज काला कपड़ा पहनने का कुछ खास पर्पस, मकसद? देखिए, ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज्यादा महत्व देते हैं, उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। प्रदर्शन की बात नहीं है, हम रोज की तरह अपना कार्यक्रम करेंगे, कोई प्रदर्शन जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, ये है कि सारे लोग काले कपड़े पहन के जाएंगे और जिनके पास काले कपड़े नहीं होंगे वो अपनी बाह में काली पट्टी बांधेंगे। ये है, और चूँकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकृत हो गया है, स्पीकर साहब कुछ दिनों में उस पर चर्चा कराएंगे और नेचुरली जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री ही उसका जवाब देंगे। तो जो विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें मणिपुर पर,
तो वो तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में पहले की तरह कार्यवाही चलती रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में इस तरह का कोई आश्वासन है नहीं। हम लोगों को एक ही आशंका है कि चूंकि मणिपुर बर्मा से या म्यांमार जिसको आप कहते हैं उससे सीमा लगी हुई है, वहाँ फौजी शासन है, वहाँ बड़े पैमाने पर व्यवस्था है, टेररिस्ट किस्म के लोग हैं, और आज ही समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर छपा है कि बर्मा के आतंकवादियों ने भारत की सेना पर हमला किया जिसमें हमारी एक महिला कांस्टेबल शहीद हो गई। ये आशंका हम लोगों पहले थी, पहले से ही थी। चीन पास में है, जब हमारे मित्र देश न होकर पड़ोस में ऐसे देश हों जिनसे हमारे मित्रतापूर्ण संबंध नहीं हैं, कुछ को तो हम शत्रु देश मान ही सकते हैं चीन जैसे देशों को, तो इस पर कोई लापरवाही बरतनी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। ये कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, ये तो देश के हित में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप कहें तो लोगों को लगे तो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में चिंतित हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम से कम अपील ही कर दें मणिपुर के लोगों से कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है वहाँ और बीजेपी का है, इसलिए वो मुख्यमंत्री को बचाने के लिए देश की जो एकता और अखंडता है उसको दांव पे लगाए दे रहे हैं। भाई ये अनफाउंडेड नहीं है कि मुख्यमंत्री ये करा रहा है। पहला विक्टिम था वो 21 साल का एक स्टूडेंट था ट्राइबल कम्युनिटी का ईसाई, उसने फेसबुक पे मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ पेस्ट कर दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी, तो मुख्यमंत्री समर्थकों ने उस गाड़ी को घेर लिया, पुलिस डर के मारे भाग गई और उन्होंने मार मार के पीट पीट के उस लड़के को मार दिया। ये पहला विक्टिम था, उसके बाद तो अनाप शनाप क्या क्या नहीं हुए, इंटरनेट बंद कर दिया गया इसलिए लोगों को मालूम नहीं, वो तो किसी तरह से कुछ वीडियो आने लगे हैं सामने जो दिल दहलाने वाले हैं। तो जब ये स्थिति हो तो किसी भी सेंसिटिव व्यक्ति को, देश के हित में सोचने वाले व्यक्ति को इसमें, और अगर वो उसके कहने से स्थिति ठीक हो सकती है तो उसको जितना जल्दी हो सके इसको कंट्रोल करना चाहिए और शांति बनाए रखने का प्रयास, सार्थक प्रयास करना चाहिए, और संसद में इसलिए चर्चा होना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि हमारे मणिपुर पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो सकती है, अमेरिका के लोग कुछ कह सकते हैं, फ्रांस के लोगों ने क्या लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में आप देखिए अखबारों में, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम सब का इंटरेस्ट यह है कि देश की के इंटरेस्ट में, देश की एकता और अखंडता के इंटरेस्ट में प्रधानमंत्री स्वयं आगे आए और इस मामले को निपटाएं।